सोच की वजह से तुम वहां बैठे हो और मैं यहां बैठा हूं। सोच का फर्क है दोस्त, सोच का। डोनाल्ड ट्रंप का है, आप एक काम करना, रुको, आप एक काम करना, यूट्यूब पे जाना, लिखना डोनाल्ड ट्रंप नेटवर्क मार्केटिंग, एक वीडियो आएगी सबसे ऊपर, व्हाट डज डोनाल्ड सेज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, 1 मिनट 37 सेकंड से उसको क्लिक करके देखना, वहां पे एग्जैक्ट वर्ड बोले वो उसने कि भैया आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मैं खुद इस इंडस्ट्री में रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग में, ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द बोल रहा हूं मैं, छोड़ो अंग्रेजों को, आप नरेंद्र मोदी जी के नाम को जानते होंगे ना, आप टाइप करो नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग, आपको आएगा निकल के 23 जून 2016 की न्यूज आएगी निकल के दोस्त, किसकी, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की, क्या लिखा हुआ है चौथे पैरे में जाएंगे दूसरी लाइन में लिखा हुआ है 2014-15 में इस नेटवर्क मार्केटिंग ने भारत में 40 लाख लोगों को रोजगार दिया था और आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट है, आप जाके गूगल करें। अरे दोस्त मेरे आपके मानने से ना, मेरे आपके मानने से कुछ नहीं होता, और एक एक कोट है, आइंस्टीन का कोट है, अगर आपको किसी चीज के बारे में तथ्य नहीं बताना और फिर भी आप उसके बारे में कुछ कह रहे हैं तो सिर्फ आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आप उसके बारे में सच्चाई नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल कटु सत्य बता रहा हूं मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अगर आपको तथ्य नहीं बताना दोस्त कोई इशू नहीं है, फिर आपकी जो सोच है ना वो सिर्फ ओपिनियन है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, सच्चाई नहीं हो सकती, वो सच्चाई नहीं हो सकती। मैं आपको बता रहा हूं सर, आज के टाइम पे एमबीए एमसीए बीबीए बीसीए इन सबके सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को, क्यों पढ़ा रहे भाई, अगर इलीगल काम है तो क्यों पढ़ा रहे बताओ, हाँ इलीगल कई कंपनीज थी और वो तो हर जगह है, करप्ट ऑफिसर्स भी हैं, करप्ट पुलिस वाले भी, तो क्या पुलिस विभाग को बंद कर देना चाहिए, पुलिस विभाग बेकार हो गया, नहीं होता, अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं हर जगह, पॉलिटिशियंस कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे पॉलिटिशियंस भी होते हैं, वैसे कुछ अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं और बुरी होती हैं, और बुरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी 9 दिसंबर 2016 के बाद बंद हो चुकी है, 9 दिसंबर 2016 से पहले 16,500 कंपनियां इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में चल रही थी, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाए 14 गाइडलाइन के, जो इन 14 को फॉलो करेगा वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कहलाएगा, उसके बाद में 9 दिसंबर 2016 के बाद में सिर्फ 327 कंपनी ही इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, और जिसमें आप जुड़ने वाले हो नेशनल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड में, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं ये इंडिया की आज के टाइम पे 5वें नंबर की टॉप की कंपनी है नेशनल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, 327 कंपनी की बात कर रहे हो दोस्त, आप बिल्कुल मंडे नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, आने वाला सर टाइम है ये, आने वाला प्रोफेशन है ये, क्योंकि हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं सैचुरेशन आ रहा है, टेलीकॉम इंडस्ट्री जा चुकी है, एविएशन में भी सैचुरेशन आ गया, आपके आंखों के आगे इंजीनियर जो होते थे ना 1990 में और 2000 में, गांव में कोई एक मिलता था, शहर में कोई एक मिलता था, और जो होता था ना भाई वो इंजीनियर है, आज के टाइम पे इंजीनियर चल कोई नहीं, क्या ये हालत है आज के टाइम पे, डॉक्टर को 50-60 हजार रुपए की नौकरियां मिल रही है, बता रहा हूं मैं कड़ू सत्य बता रहा हूं आपको दोस्त, अगर आज नहीं करेंगे तो कल सोचना पड़ जाएगा अपने को हर चीज के बारे में, और ये आने वाला सर भविष्य है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करने लग गई, गवर्नमेंट ने लीगलाइज इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है रोजगार देना, दे ही नहीं पा रही है, तो इसलिए इसको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इसमें बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी काम कर सकता है और कोई भी पैसे कमा सकता है और रोजगार दे रखा है, और मैं आज लगभग 1500 लोगों को यहाँ पे खड़ा होकर एड्रेस कर पा रहा हूँ, 1500 लोगों में से मैं कह रहा हूँ सर अगर 1200 भी इस बिजनेस में जुड़े तो आज 1200 लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, और ये 1200 अगर किसी दो दो को जाके बताएं तो 2400 को मिला कि नहीं मिला, जेट एयरवेज की सारी बेरोजगारी खत्म हो सकती है अगले एक हफ्ते में अगर हम चाहें तो, नहीं तो कोई नहीं, दुख मनाते रहो शोक मनाते रहो, किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा दोस्त, सिंपल सी लॉजिक है, भगत सिंह ने उठाया था कभी बीड़ा कि देश आजाद कराएंगे, किसी उस टाइम भी लोग थे कहीं देख रहे थे हाँ क्या हुआ 50 कूड़े तो पड़े कोई इशू नहीं है ठीक है ओके आई एम टोटली फाइन, भगत सिंह ने सोचा ना भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, और भगत सिंह अपने लालपुर के सबसे अमीर खानदान के एक वो थे बच्चे थे एक लोग ये लगा लो, और उसके बावजूद भी उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बीड़ा उठाया दोस्त, हमारे लिए जान दी, हमें जानते नहीं थे वो ना, हमें जानते नहीं थे वो, मेरे हिसाब से मिले नहीं थे ना उसको, मेरे से आपसे मिले नहीं थे, और उन्होंने हम आजाद भारत में सांस ले सके अपनी जान दे दी, अच्छा हम आपसे जान थोड़ी मांग रहे हैं 15,770 रुपए मांग रहे हैं, जिसमें आप किसके लिए करोगे कुछ, अगर मेहनत करोगे तो किसके लिए, अपने घर वालों के लिए, उसने किसी और के लिए जान दे दी, हम अपने लिए नहीं कर पा रहे अपने घर वालों के लिए कुछ, उसमें भी अपना उर्क हो पाएगा कि नहीं हो, सोचो भगत सिंह सोचता तो ये बात पता नहीं यार हो पाएगा कि नहीं, उनके तो बंदूकें हैं अपन को तो कुछ भी नहीं है, गांधी लाठी लेके चल रहा है, डांडी मार्च है ना 2 मार्च 1930 डांडी मार्च, साइड में 3-4 हो रहे हैं यार ये अंग्रेज सामने तोप लिए खड़े हैं अपने से हो पाएगा, लग रहा है कुछ हो सकता है क्या होता देश आजाद होता, अरे किसी ना किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा भाई, आपके परिवार में अगर आज तक कोई सेल्फ मेड करोड़पति नहीं हुआ बेस्ट बात है, आप अपने खानदान के सबसे पहले सेल्फ मेड करोड़पति बन सकते हो, ये मौका दे दिया कंपनी आपको, बहुत बेस्ट मौका दो,
मर्सिडीज के बाद में आपको लेके चलता हूं, और दोस्त सलामत रहना किसी से बता रहा हूं मैं। मर्सिडीज के बाद एक और रिवॉर्ड आता है जो कि